दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीऑर्डर लेवल के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर रीऑर्डर लेवल को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों रीऑर्डर लेवल यहां पर दो तरीके से सेटअप किया जाता है, एक सिंपल और दूसरा एडवांस लेवल। दोनों ही तरीके आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रीऑर्डर लेवल होता क्या है। दोस्तों रीऑर्डर लेवल तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी सामान को बेचते हैं और बेचते समय आपके पास अगर उस सामान की शॉर्टेज हो जाती है तो समय रहते हुए हर शॉपकीपर ये चाहता है कि उसके सामान का ऑर्डर पहले ही कर दिया जाए ताकि सामान उसके पास सही समय पर आ जाए, ताकि कोई भी कस्टमर उसके पास से खाली हाथ ना जा पाए। इन सिचुएशंस के अंदर हम यहाँ पर रीऑर्डर लेवल सेटअप करते हैं जिसमें हम जितने भी सामान का सेल ऑर्डर जनरेट करते हैं या फिर जितने भी सामान का हम परचेज ऑर्डर जनरेट करते हैं वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर पता चल जाती है। दोस्तों रीऑर्डर लेबल की मदद से आपको ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट में अभी आपके पास कितना शॉर्टेज है और कितना सामान आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो पीस क्वांटिटी बचती है तो 10 पीस का यहाँ पर ऑर्डर जनरेट हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टैली प्राइम के अंदर इसका सेटअप कर सकते हैं जिसमें आपको बार बार अपने स्टॉक को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना भी स्टॉक आपके पास शॉर्टेज होगा उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और उन सभी ऑर्डर को आप आसानी से प्लेस कर पाएंगे। दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एडवांस और सिंपल लेवल समझाया गया है मगर पूरी तरीके से उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंपल और एडवांस दोनों को ही एग्जाम्पल के माध्यम से। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से रीऑर्डर लेबल को सेटअप कर सकते हैं और किस तरीके से आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल तरह से समझने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों रीऑर्डर लेबल समझने के लिए सबसे पहले हम आपको अपना स्टॉक दिखाना चाहेंगे। तो स्टॉक दिखाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं स्टॉक समरी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एप्पल के 20 पीस हैं और सैमसंग के 20 पीस हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल के अंदर आईफोन 13 जो कि हमारे पास 10 पीस अवेलेबल है और आईफोन 15 जो कि हमारे पास 10 पीस अवेलेबल है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के अंदर हमारे पास 10 पीसेस अवेलेबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G जो कि हमारे पास 10 पीसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 पीसेस की हमारे पास टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर अपना रीऑर्डर लेवल को सेटअप करना है तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे स्कैप और यहाँ से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। इसके बाद आपको यहाँ से आना है ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है शो मोर पर। शो मोर पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोडाउन के नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम और दूसरा आपको दिखाई देगा रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर चाहें तो रीऑर्डर लेवल को स्टॉक आइटम के हिसाब से भी सेटअप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के हिसाब से भी इसे सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर रीऑर्डर लेवल को सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्टॉक में जितने भी आइटम्स होंगे वो सभी आइटम्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मान लीजिए हम यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के ऊपर हम यहाँ पर अपना रीऑर्डर लेवल को सेटअप करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने रीऑर्डर लेवल विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई देगा एडवांस पैरामीटर फॉर रीऑर्डर लेवल और इसी तरीके से आप यहां पर राइट साइड में देख सकते हैं यहां पर भी आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर कंजप्शन। तो दोस्तों यहां पर तीन तरीके से आप अपने पैरामीटर को यहां पर सेटअप कर सकते हैं। मैं एक एक करके इन तीनों ही चीजों को डिफाइन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में आपको यहां पर दिखाई देगा सिंपल रीऑर्डर तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल रीऑर्डर के अंदर आपका जो एडवांस पैरामीटर था वो यहाँ से हट चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर वाला जो आपका एडवांस पैरामीटर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मिनिमम क्वांटिटी का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर केवल क्वांटिटी बेस्ड ही आप यहाँ पर रीऑर्डर लेवल सेटअप कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जो स्टॉक आइटम्स हैं वो मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास 10-10 पीस यहाँ पर सभी आइटम्स के यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी हम कितने आइटम्स के ऊपर सेटअप करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर देनी होगी। 5 क्वांटिटी हो यानी 5 क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास इस सैमसंग गैलेक्सी की हो तो उस केस में हमारा जो मिनिमम ऑर्डर हो वो यहाँ पर 10 पीसेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने रीऑर्डर को यहाँ पर सेटअप कर लिया। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि अभी आपको पता है कि हमारे पास गैलेक्सी F55 जो कि 5G है, इसकी हमारे पास 10 पीसेस की क्वांटिटी अवेलेबल है, और यहाँ पर हम जो रीऑर्डर क्वांटिटी सेटअप कर रहे हैं वो यहाँ पर 5 पीसेस पर कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास 5 पीस या 5 पीस से कम क्वांटिटी बचती है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर 10 पीस की क्वांटिटी यहाँ पर प्लेस कर दी जाएगी मिनिमम रीऑर्डर के लिए। तो इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर रीऑर्डर स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+G। आप किसी भी विंडो पर रह करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Ctrl+G प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर गो टू का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है रीऑर्डर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस, और दूसरा आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक ग्रुप वाइज रीऑर्डर स्टेटस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना जो रीऑर्डर सेटअप किया है वो यहाँ पर आइटम वाइज किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप वाइज रीऑर्डर स्टेटस को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दोनों ही यहाँ पर ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रांड है वो यहाँ पर सैमसंग का ब्रांड है, यानी सैमसंग का हमारे पास आइटम था जिसके ऊपर हमने यहाँ पर रीऑर्डर का सेटअप किया था। तो सैमसंग को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग ब्रांड के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो आइटम्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वाले आइटम यानी सैमसंग गैलेक्सी F55 के ऊपर अपना रीऑर्डर प्लेस किया था, यानी रीऑर्डर को सेटअप किया था। उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी हमारे पास जो पीस है वो यहाँ पर 10 पीसेस अभी अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीऑर्डर लेवल जो हमने यहाँ पर पहले वाले आइटम पर सेटअप किया था वो 5 पीसेस का किया था। मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10 पीसेस यहाँ पर रखा था जो कि हमारे पास ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑर्डर टू प्लेस में अभी कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि अभी हमारे पास 10 पीसेस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर 10 पीसेस में से कुछ आइटम्स को सेल कर देते हैं तो उस केस में हमारा जो ऑर्डर हमने सेटअप किया था वो यहाँ से ऑटोमेटिक आपको प्लेस दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास कर लेते हैं। तो इसके लिए स्कैप करके हम यहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आपको आना है वाउचर्स के अंदर, यहाँ पर प्रेस करना है। तो दोस्तों F10 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो इन एक्टिव के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करके एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। और अगर आप यहाँ पर सेल ऑर्डर का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस केस में आपको इसे यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर का आपका जो वाउचर है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर हम सेल्स ऑर्डर में 5 पीस को यहाँ पर सेल ऑर्डर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट सी की मदद से एक लेजर क्रिएट करेंगे किसी पार्टी का। तो हमने यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया अमन के नाम से और इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं सेंड्री डेबिटर, और इसके बाद यहाँ पर इसे Ctrl+A की मदद से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको ऑर्डर डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स ये दोनों ही डिटेल्स कम्प्लीटली फिल करनी है। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। उसमें मैंने इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके कवर किया है। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइप नहीं कर रहे हैं, हम इसे Ctrl+A की मदद से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम इसे Ctrl+A की मदद से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है, तो हम ऑर्डर नंबर 1 रखते हुए इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप अपने एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लीजिए। तो सेल्स का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है सेल और इसे अंडर ऑफ डाल देना है सेल्स अकाउंट के। यहाँ पर भी आपको Ctrl+A की मदद से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से स्पेस प्रेस करते हुए अपने आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो हमारा आइटम है जिसके ऊपर हमने यहाँ पर ऑर्डर सेटअप किया था तो उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है गैलेक्सी F55 वाले आइटम्स को। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो क्वांटिटी फिल करने वाले हैं वो यहाँ पर फिल करने वाले हैं 6 पीसेस की, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपना ऑर्डर सेटअप किया था वो 5 पीसेस पर सेटअप किया था। तो 6 पीसेस को लेते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। रेट यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 35,000 और एंटर करके इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों विंडो को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+G। Ctrl+G प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है रीऑर्डर। रीऑर्डर टाइप करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक ग्रुप वाइज रीऑर्डर स्टेटस, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ पर आपको सैमसंग को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 10 पीसेस का था, यानी 10 पीस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था, जिसमें से सेल्स ऑर्डर हमने कर दिया है 6 पीस का।
नेट अवेलेबल क्वांटिटी अभी हमारे पास 4 पीस अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो अपना रीऑर्डर लेवल सेटअप किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पीस के ऊपर हमने अपना रीऑर्डर लेवल सेटअप किया था। हमें जो शॉर्टफॉल हुआ है वो 1 पीस का शॉर्टफॉल हुआ है, यानी 1 पीस यहाँ पर अभी हमारे पास कम है। अगर 1 पीस हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा होता तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर जो हमने प्लेस किया है 10 पीसेस का, ये हमें फिलहाल प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 पीस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और 1 पीस का हमारे पास यहाँ पर शॉर्टफॉल हो गया है। और मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी हमने जो दी थी यहाँ पर 10 पीसेस की दी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पीस का रीऑर्डर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ पर जो शॉर्टफॉल है वो यहाँ पर मैनेज हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको परचेज ऑर्डर की एक एंट्री पास करके इस प्लेस ऑर्डर को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम स्कैप करके एक बार बाहर आएंगे। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है वापस से F10, या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अदर्स वाउचर का, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो इन एक्टिव को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर को लेते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा, तो ऑल्ट सी की मदद से हम यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं कमल के नाम से और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सिंड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए की मदद से हम इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए की मदद से हम इस विंडो को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर को लेते हुए यहाँ पर परचेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए हम अपने उसी आइटम को सेलेक्ट करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F55 को, और यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी मान लीजिए 10 पीसेस को यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट अपने आप आ गया है क्योंकि पिछली बार हमने इसी रेट पर गुड्स को परचेज किया था। इसके बाद हम इसे एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद हम यहाँ पर वापस से एक बार कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे रीऑर्डर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक ग्रुप वाइज रीऑर्डर स्टेटस, और यहाँ से सैमसंग को सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पीसेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो परचेज ऑर्डर अभी किया है वो 10 पीस का हमने यहाँ पर परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया है जो कि फिलहाल अभी पेंडिंग में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर ड्यू जो है हमारा वो 6 पीस का हमारा सेल्स ऑर्डर ड्यू दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पर सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट अवेलेबल यानी नेट अवेलेबल क्वांटिटी जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 पीसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 पीस हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था और 10 पीस हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो टोटल क्वांटिटी हमारी हो गई यहाँ पर 14 पीसेस की। रीऑर्डर लेवल वही सेम है हमारा, 5 पीस का हमारा रीऑर्डर लेवल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी जो हमें प्लेस करनी होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पीसेस की मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी हमें यहाँ पर प्लेस करने का हमने यहाँ पर सेटअप किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेली प्राइम के अंदर सिंपल रीऑर्डर को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एडवांस लेवल सेटअप की, तो उसके लिए हम यहाँ पर वापस से स्कैप करके बाहर आने वाले हैं। बाहर आने के बाद हम वापस से यहाँ पर ऑल्टर पर जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे शो मोर को, और यहाँ से हम आ जाते हैं रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप, और इसे सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। और अब हम यहाँ पर जो अपना आइटम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एप्पल का, तो एप्पल को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एप्पल को जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल के जितने भी आइटम्स होंगे वो सभी आइटम्स हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, और सभी के ऊपर आप अपने हिसाब से यहाँ पर रीऑर्डर लेवल सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर एडवांस रीऑर्डर लेवल को सेटअप करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एडवांस रीऑर्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस पैरामीटर फॉर रीऑर्डर लेवल कंजप्शन फॉर द लास्ट पीरियड और क्राइटेरिया, आपको दोनों ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मान लीजिए हम सबसे पहले अपना जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो हम 10 पीस को लेते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 4 टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीरियड्स के अंदर आप इसे सेटअप कर सकते हैं मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज और ईयर वाइज। अब मान लीजिए हम यहाँ पर डे को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो कंजप्शन है वो 4 दिनों के अंदर यानी 4 दिनों के अंदर इसकी कंजप्शन बढ़ जाती है यानी इसकी सेल्स बढ़ जाती है, तो उस केस में यहाँ पर इसका स्टेटस आप क्या रखना चाहेंगे, यानी आप जो अपना ऑर्डर सेटअप करना चाहते हैं रीऑर्डर सेटअप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लोअर रखेंगे या फिर हायर। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी सेल्स यहाँ पर इंक्रीज होगी तो हम अपने स्टेटस को यहाँ पर हायर रखेंगे। हायर को रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने ऑर्डर की क्वांटिटी यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 20 पीस की क्वांटिटी प्लेस करने वाले हैं कि जब भी हमारे पास 4 दिनों के अंदर सेल्स हमारी इंक्रीज होती है तो उस केस में मिनिमम जो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी होगी वो यहाँ पर 20 क्वांटिटी प्लेस की जाएगी, यानी 20 पीस का हमें यहाँ पर ऑर्डर करना होगा। अब यहाँ पर आपको मैं दोबारा से इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहूँगा,
हमारे रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पीसेस है, यानी 10 पीस का हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर सेटअप की जा रही है, जिसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं डे वाइज हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं कि 4 दिनों के अंदर अगर हमारी यहाँ पर सेल बढ़ती है तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो हायर होगा और यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर 20 पीसेस की प्लेस कर दी जाए। तो इतना सेटअप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर आईफोन 15 का भी यहाँ पर चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले केस में हमने यहाँ पर इसे हायर लिया था और इस केस में हम यहाँ पर इसे लोअर लेंगे और लोअर लेने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर 10 पीसेस सेटअप कर देते हैं ताकि हम जब भी इसे सेल करें तो दोनों में ही फ़र्क आपको समझ में आ सके। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पर एंटर करके इस लेवल को यहाँ पर सेटअप करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर सेल्स करने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे, यहाँ से वाउचर्स में आएंगे और यहाँ पर हमें वापस से सेल्स ऑर्डर के लिए आप यहाँ पर चाहें तो कंट्रोल प्लस F8 प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी क्योंकि हमने इसे यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप अपने आइटम्स को यहाँ पर सेल कर दीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अमन को सेलेक्ट करते हुए इसी आइटम को यहाँ पर अमन को फिर से सेल कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर 2 रखते हुए हम यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करते हुए अपने आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर आईफोन 13 को लेते हैं जिसकी हम यहाँ पर 6 पीस की क्वांटिटी यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रेट है हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 60,000 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे आइटम को भी यहाँ पर सेल्स करने वाले हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर आईफोन 15 को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पर सेम रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। रेट यहाँ पर हम इसे 75,000 देंगे और उसके बाद एंटर करके इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेल्स ऑर्डर के अंदर 6 पीस यहाँ पर सेटअप कर दिया है और उसके बाद इस विंडो को यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल जी की मदद से गो टू पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है रीऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस। तो इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने ग्रुप को सेलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पर एप्पल को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आईफोन 13 के अंदर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में 20 पीस यहाँ से आपसे बताया जा रहा है कि आपको 20 पीस का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन 15 के अंदर जिसमें हमने लोअर लिया था जिसमें कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमसे नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ों को समझा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 10 पीसेस का था। यहाँ पर हमने जो सेल्स ऑर्डर किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 पीसेस का हमने दोनों ही आइटम्स में सेल्स ऑर्डर किया है। नेट अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 पीसेस की आपको यहाँ पर नेट अवेलेबल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं रीऑर्डर लेवल हमने जो सेटअप किया था वो 10 पीसेस का हमने यहाँ पर आईफोन 13 के अंदर रीऑर्डर लेवल सेटअप किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पीसेस का यहाँ पर शॉर्टफॉल हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे यहाँ पर शॉर्टफॉल आ रहा है तो उस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी हमने 20 पीस यहाँ पर रखी थी उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें 20 पीसेस का यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब मैं आपको एक बार स्कैप करके बाहर ले जाना चाहूँगा। बाहर आने के बाद हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे अल्टर के ऊपर। अल्टर में आने के बाद यहाँ पर शो मोर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हमें रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ से एप्पल को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम 15 के अंदर हमने जो यहाँ पर सेटअप किया था वो 10 पीसेस का यहाँ पर सेटअप किया था। 4 डेज़ के अंदर ही सेटअप किया था, बस हमने चेंज क्या किया था लोअर का। अगर हम इसे भी यहाँ पर हायर कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर 10 पीसेस प्लेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर हायर करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ से रीऑर्डर ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपको एप्पल सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 पीस प्लेस करने का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पीसेस हमें यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक बार ऑर्डर प्लेस करके भी आपको दिखा देना चाहेंगे। तो स्कैप करके एक बार हम बाहर आएंगे, यहाँ से आ जाते हैं वापस से वाउचर्स के अंदर। तो दोस्तों वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हमें परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज ऑर्डर विंडो हमारी यहाँ पर पहले से ही ओपन है। अगर आपके केस में ओपन ना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F10 का एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, या तो अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं या फिर अदर्स वाउचर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर शो इनएक्टिव को सेलेक्ट करते हुए यहाँ से आप अपने परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कृष्णा के नाम से एक लेजर और यहाँ पर इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सेंड्री क्रेडिटर। उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑर्डर नंबर 2 को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम परचेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आईफोन 13 की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 20 पीसेस की। रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर आईफोन 15 भी सेलेक्ट कर लीजिए
और यहाँ पर क्वांटिटी डाल दीजिए 10 पीसेस की, क्योंकि 10 पीस का हम यहाँ पर हमें ऑर्डर प्लेस करना था। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल जी और यहाँ पर आपको टाइप करना है रीऑर्डर। रीऑर्डर स्टेटस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने एप्पल यानी आइटम्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास जो नेट अवेलेबल क्वांटिटी है वो यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाले के अंदर 24 और दूसरे के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं 14 में दिखाई दे रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं प्लेस ऑर्डर का जो ऑप्शन था जो हमें यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा था वो भी यहां से हट चुका है, क्योंकि क्वांटिटी यहां पर हमारे सामने एक्स्ट्रा आ चुकी है। और यहां पर आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर पेंडिंग के अंदर 20 पीस और 10 पीस हमें यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रीऑर्डर एडवांस कंजप्शन को सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पैरामीटर की। यहाँ से हम जाएंगे अल्टर के अंदर और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है शो मोर और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम। और यहाँ पर हम एक आइटम सेलेक्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। इसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी के दोनों ऑप्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम 10 पीसेस लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर 5 पीसेस को लेकर के एंटर प्रेस करते हैं। पहले हम यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास 10 पीसेस है जिसमें हमने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 पीसेस को सेटअप किया है। दोस्तों अगर आपके पास जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है यानी 10 पीस की हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें से अगर एक भी पीस हमारे पास सेल हो जाता है यानी एक भी पीस हमारे पास कम हो जाता है तो इस केस में 5 पीस का आपको ये इंडिकेट करेगा अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। अब एडवांस पैरामीटर के अंदर भी आप अपने डे वाइज भी सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 4 डेज को लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप डेज मंथ वीक ईयर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर डेज को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी सेल 4 दिनों के अंदर हाईएस्ट हो जाती है यानी आपकी जो सैमसंग गैलेक्सी M34 5G प्रोडक्ट है इसकी सेल्स यहाँ पर हायर हो जाती है तो उस केस में आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने स्टेटस को यहाँ पर लोअर में भी सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपने हायर वाले स्टेटस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर अपने रीऑर्डर लेवल को सेटअप कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आने वाले हैं। बाहर आने के बाद वापस से हम यहाँ पर वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपने ऑर्डर क्वांटिटी को सेल्स कर देते हैं। तो मान लीजिए स्पेस प्रेस करते हुए हम यहाँ पर उमेश को सेलेक्ट करेंगे। उमेश हमारी पार्टी है जिसको हम यहाँ पर गुड्स को सेल करते हैं और इसी तरीके से ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने उसी आइटम को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी में हम यहाँ पर 1 पीस को डाल करके एंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर 10 पीस में से 1 पीस को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो टाइप कर देते हैं 45,000 और उसके बाद एंटर करके यहाँ पर इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने जो यहाँ पर अपने रीऑर्डर लेवल को सेटअप किया था उसमें क्या चेंजेस आई है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है रीऑर्डर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टॉक ग्रुप वाइज रीऑर्डर स्टेटस। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको सैमसंग को लेकर के एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर का जो ऑप्शन था यानी सैमसंग गैलेक्सी F55 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट की यानी सैमसंग गैलेक्सी M34 5G की। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमारा 10 पीस है यानी 10 पीस हमारे पास अवेलेबल था जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेल्स ऑर्डर किया है 1 पीस का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट अवेलेबल जो हमारी क्वांटिटी है अभी हमारे पास 9 पीस यहाँ पर अवेलेबल है बट रीऑर्डर लेवल जो हमने यहाँ पर सेटअप किया था वो किया था 10 पीसेस का कि 10 पीस हमारे पास हमेशा रीऑर्डर होना चाहिए यानी लेवल सेटअप होना चाहिए। शॉर्टफॉल हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पीस का शॉर्टफॉल हमें दिखाई दे रहा है और हमने मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी जो यहाँ पर ऑर्डर करनी थी वो यहाँ पर हमने 5 पीसेस की रीऑर्डर क्वांटिटी सेटअप कर रखी थी कि अगर 10 पीस में से एक भी पीस यहाँ पर कम होता है तो यहाँ पर 5 पीस का यहाँ पर हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो इस तरीके से हमने इसका सेटअप किया था। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 5 पीस का यहाँ पर परचेज ऑर्डर यहाँ पर कर लेते हैं। तो उसके लिए स्कैप करके हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, वाउचर्स में आएंगे और यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर के लिए F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पर शो इनएक्टिव को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा परचेज ऑर्डर। इसको सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से अमन को सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल ए की मदद से हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर अपने आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें जो ऑर्डर प्लेस करना था वो यहाँ पर 5 पीसेस का ऑर्डर प्लेस करना था।
तो हम यहाँ पर 5 पीस को डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर एंटर करके हम इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद हम यहाँ पर वापस से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको रीऑर्डर टाइप करना है और यहाँ से आपको रीऑर्डर ग्रुप वाइज रीऑर्डर स्टेटस को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 पीसेस यहाँ पर अवेलेबल है। और 14 पीसेस में से अगर यहाँ पर हम 4 पीस को बेच भी देते हैं तब भी हमें यहाँ पर कोई भी ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 10 पीस से यहाँ पर क्वांटिटी कम होगी तो यहाँ पर आपको 5 पीस का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेलीप्राइम के अंदर एडवांस रीऑर्डर लेवल को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।